सिंह साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सिंह साहब। आप हमेशा अधिकतर बहुजन समाज की बात करते हैं, उसके साथ बसपा की बात करते हैं। बसपा जो है तीसरे नंबर की पार्टी मानी जाती है और है भी, मानी नहीं जाती है, जो के अंदर उसकी बहुत अच्छी भूमिका भी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें बहुजन समाज के लीडरों की, तो 25 उसके पास अच्छे कोऑर्डिनेटर भी नहीं है, इसका क्या विशेष कारण है? एक्चुअली बसपा जो पार्टी बनाई गई थी वो बहुत मेहनत करके बनाई गई थी। साहब कांशीराम जी के ज़माने में जब बामसेफ काम करती थी, उनकी मेहनत का फल था कि बसपा पार्टी जो है अस्तित्व में आई। आपने जो कहा कि 25 लगभग 25 राज्यों में हमारे लोग हैं और बसपा पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? इसका खास कारण यह है कि बसपा को जो आइडियोलॉजी देने वाले लोग होने चाहिए थे, जो एडवाइज़र्स होने चाहिए थे, वो उसके पास नहीं है। और वो अच्छे कैडर जो साहब कांशीराम जी के ज़माने में थे, जब तक वो थे कुछ, तब तक बसपा का रूप कुछ और था। और जब वो लोग बाहर जाना शुरू हो गए या बाहर निकालना शुरू हो गया, तब से बसपा का रूप भी बदल गया। और कोई बात नहीं है, आज भी बसपा उतनी मजबूत हो सकती है, बसरते वो अपने पास उन अच्छे अच्छे एडवाइज़र, जो अच्छे कैडर हैं, जिनको नॉलेज है, उनको पास रखे और उनसे अब लोगों को जागरूक कराए। उसी से सिंह साहब जी, बहुजन समाज की जो बेसिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसे कैडर कहा जाता है, लेकिन अधिकतर कैडरों को बहुत स्तर तक ख़त्म कर दिया जा रहा है या बहुत अच्छे कैडर नहीं चल रहे हैं जो माननीय श्री काशीराम के टाइम में चला करते थे। तो क्या बहुजन समाज की रीढ़ की हड्डी को मजबूत और तैयार करने के लिए कैडर ज़रूरी है या नहीं है, और हैं तो किस तरीके से आगे इस पर काम करना चाहिए? देखिए साहब, मैं इसके लिए आपको एक ही बात बताऊँगा, कैडर की ज़रूरत पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जी, ये जो कैडर हैं ये कोई वन टाइम प्रोग्राम नहीं है, ये तो कंटिन्यूस प्रोग्राम है, कंटिन्यूअल। क्योंकि आप देखिए, मैं थोड़ा उदाहरण दूंगा आपको, 1925 से जब से आपकी आरएसएस जिंदी हुई, जन्म हुआ, तब से आज तक उसके कैडर का रूप देख लीजिए आप। उसके कैडर आज देश में कई लाख हैं, जबकि कुछ नंबरों से शुरू हुआ था। हमारे कैडर कुछ हज़ार या लाख में नहीं कह सकता, हज़ारों में थे, उन्होंने बसपा पार्टी बना के दिखाई। लेकिन आज अगर सही रूप में देखेंगे तो कैडर के नाम की चीज़ जो है वो आपके समाज के अंदर से गायब मिलेगी। हैं थोड़े बहुत, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ के कारण बेचारे लगे तो हैं, लेकिन उससे काम तो चल रहा है। लेकिन अगर वाकई आपको तीसरे नंबर से दूसरे और पहले नंबर पर आना है, तो आपको कैडर बेस्ड पार्टी बनानी पड़ेगी, बिना इसके कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।